आखिरकार पार्ट वन खत्म हो जाता है सीजन फोर का और इसके अंदर टोटल 16 एपिसोड दिखाए गए हैं। आज की इस वीडियो में बात करूंगा अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के पार्ट वन के और इस वीडियो में स्पॉइलर हो सकते हैं तो मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूं, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन का फर्स्ट एपिसोड जब आता है वहां पर मार्ले सेना जो है वो फाइटिंग करते हुए दिखाई जाती है, वो जीतती है, अपनी खुशी बनाती है और साथ ही साथ यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है। मार्ले के बारे में बताया जाता है, इनके लोगों के बारे में बताया जाता है और फिर टाइम आता है फर्स्ट टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन का। एरन सामने जब आता है, एरन की एक बार तो शुरुआत में एंट्री दिखाई जाती है कि एरन आ गया, फिर उसके बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है, फिर इसके बाद जो ये सीजन जो है फाइनल सीजन क्या अपने पीक लेवल पे जाता है, यार मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताने की जरूरत है। इतना औसम वो होता है, उसमें वॉरहैमर टाइटन के साथ इसकी लड़ाई होती है और लड़ाई जिस तरीके से दिखाई गई, एरन का जिस तरीके से बिहेवियर सामने आता है, निकल कर सामने आता है, भाई साहब औसम लेवल, चुम्मेश्वर लेवल की एंट्री होती है वहां पर। ये वॉरहैमर टाइटन को कहा जाता है और फिर इसके बाद चीजें एक के बाद आगे बढ़ती हैं। यार मतलब वो पल जो मैं बयान नहीं कर सकता उस चीज को, जैसे जैसे वो एपिसोड देख रहा था, आज 16 एपिसोड खत्म कर लिए हैं, फाइनल सीजन के पार्ट वन खत्म हो जाते हैं और यहां पर जैसे जैसे वो खुशी हो रही थी कि यार अगला एपिसोड कब आएगा, वो एक्साइटमेंट वहां पर क्रिएट कर रही थी, बहुत जबरदस्त था। और जैसे ये सब चीजें पीक लेवल पर पहुंचती हैं फिर पत्ते खुलने स्टार्ट हो जाते हैं, कौन किसके साथ है, कौन किसको धोखा दे रहा है, चीजें कंफ्यूज हो करते चले जाते हैं। जैक का अचानक से एलियंस के साथ मिलना, अपने मतलब जो मार्ले लोगों को धोखा देना, भाई साहब इसका क्या प्लान है। सच में अभी पार्ट वन खत्म हो गया लेकिन इसके प्लान का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला और ना ही मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूं कि आने वाला जो पार्ट टू है उसके अंदर क्या स्टोरी रहने वाली है। अभी जैसे हैं कि भैया ये चीज चल रही है, जब इसको देख रहे हैं एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और जब आएगा तब उसकी वहां पर बात कर लेंगे। और ना तो मैं मांगा पढ़ना भी चाहता हूं क्योंकि अब जो एनिमे की आदत लग गई है कि यार इसको एनिमे ही कंप्लीट करना है तो बस उसी चीज का इंतजार है। और फोर्थ सीजन के पार्ट वन को देखो तो जिसके अंदर ज्यादातर फोकस रहा है इन दो के बीच में, मतलब कि मार्ले लोगों और एलिडियंस के बीच में। पहले स्टार्टिंग में मार्ले लोगों के बारे में बताया जाता है कि भी ये कैसे लोग हैं, ये एलिडियंस को कैसे ट्रीट करते हैं, तो यहां पर ये सब चीजें दिखाई जाती हैं। इसमें जो मिकासा, आर्मिन, लीवाई, इनके ऊपर बहुत कम फोकस किया गया और सबसे ज्यादा मेन फोकस किसी करेक्टर पर किया गया जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें हुई हैं, वो है एरन। यार देखो इसके थ्री सीजन अगर आप देखो तो जहां पर हमें इतनी ज्यादा निराशा होती है कि यार ये इतना अच्छे से हमारे सामने रिप्रेजेंट नहीं किया गया, फोर सीजन तो एक तरीके से समझ लो इसी के नाम लिख दिया गया है। और एरन का जो बिहेवियर फोर सीजन में निकल कर सामने आया है, जैसे ये स्टोरीज इन्होंने दिखाई है कि भाई साहब एरन जो है वो जैक के साथ मिलता है, जब पैराडाइज आइलैंड पे जब जैक को आया लेके जाया जाता है तो वहां पर एरन अपने ही लोगों से बगावत कर लेता है और अपना एक ग्रुप बना लेता है। ग्रुप बनाने के बाद भाई साहब वो अलग ही लेवल, अल्टीमेट लेवल की चीजें करने लग जाता है। एरन अपने वे में अपने लोगों को बचाना चाहता है इसलिए वो जैक का साथ देता है और जैक के 15 एपिसोड में इसकी कहानी भी बताई जाती है कि भाई उसने अपने माता पिता को क्यों पकड़वाया था, जो हमने पहले सीजन में देखी थी कि भाई जैक का ही हाथ होता है कि अपने माता पिता को पकड़वाने के, एलन जो मार्ले के जो लोग आते हैं इनको पकड़ के लेके जाते हैं, मैं कंफ्यूज था। और एटलीस्ट इस एपिसोड के अंदर 15 एपिसोड में हमें इसका जवाब मिल जाता है। मैंने हर एपिसोड के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, मैं यहां पर 16 जो एपिसोड्स हैं उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा क्योंकि यार इससे वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर आपको हर एक वीडियो के बारे में जानना है तो इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है एनिमी मूवी या एनिमी सीरीज करके, मतलब ये कंप्लीट है एनिमी मूवीज और सीरीज, तो इसके ऊपर जाके देखें तो वहां पर इनके ऊपर अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के फोर्थ सीजन के ऊपर मैंने हर एक एपिसोड के ऊपर वीडियो बना रखी है, तो आप जाकर वहां देख सकते हैं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि यार इतने 16 एपिसोड के बारे में बात करूं, वीडियो इतनी ज्यादा लेंथी बनाऊं क्योंकि इसके ऊपर इतने ज्यादा व्यू तो वैसे भी नहीं आते। सो आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो एज पॉसिबल एज इन शॉर्ट टाइम पीरियड सो यू कैन अंडरस्टैंड ए ब्रीफ आइडिया ऑफ सीजन 4। 15 एपिसोड की बात करूं जहां पर जैक की एक पर्टिकुलर पास्ट को दिखाया गया है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है कि जैक में इतना मतलब परिवर्तन कैसे आया था, उसके अंदर अब तक उसने अपने आप को शांत क्यों रखा रखा था, उसका प्लान वो क्या बना रहा था इतने टाइम से। देखो प्लान तो नहीं पता चला लेकिन उसके परिवर्तन को, उसके अंदर चेंजेस को इसमें दिखाया गया है, उसके मास्टर का इसके अंदर पता चलता है। वैसे बेसिकली आप ये अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन देखो तो इसके अंदर देखने को मिलता है कि दो ही कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई है, एलियंस और मार्ले लोगों के बीच में, जहां पर एलियंस जो है वो डीमंस या
हूँ टाइटन के वंशज है, यामीर के वंशज है, वहां पर मार्ले लोगों ने इनको पूरी दुनिया के सामने ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है कि ये जो है वो डीमंस हैं, राक्षस हैं, ये लोगों को मार देंगे, दुनिया को खत्म कर देंगे, और यहां पर इनको अलग करके रखा गया। और इवन जब आप देखो तो मार्ले लोगों को उन्होंने अपने अंदर जो एलिडियंस जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको एक तरीके से अलग एक अलग जोन में रख रखा है, वहां पर उनके साथ अलग ही बर्ताव होता है। ये आप 15th एपिसोड में भी देखोगे और बाकी बहुत सारे एपिसोड में आप लोगों को छुटमुट चीजें देखने को मिल जाती है। और जैक जो है वो एलिडियन है, इसलिए वो अपने लोगों को बचाना चाहता है। अब देखो इसके ऊपर पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा जब ये पूरा एपिसोड यानी पूरा एपिसोड क्या पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी, वहां पर अच्छे से बात करेंगे इन दो कम्युनिटीज की। और 16th एपिसोड को जिस मोड़ पर खत्म किया है ना इनके मेकर्स ने, मतलब पाप लगेगा तुम लोगों को यार, ऐसे कौन तड़पाता है। इसके व्यूअर्स मतलब इतना ज्यादा यार गूज़बम्प आ गए थे जब ये 16th एपिसोड देखा। एपिसोड खत्म होता है 16th एपिसोड ऐसे मोड़ के ऊपर जहां पर राइनर और एरन आमने सामने हैं। एरन ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वहां पर वो कहते हैं कि कम आओ भैया, एरन आओ, तुम्हारे स्वागत करते हैं। तो उस हालात पे खत्म करना यार, सच कहूंगा यार मैं, इसके मेकर्स को बहुत बड़ा पाप लगेगा यार। मतलब थोड़ा बहुत तो दिखा देना चाहिए। जब 16 एपिसोड देख रहा तो बार बार मैं टाइम को देख रहा था यार, अभी कहानी स्टार्ट हो रही है और अभी ये चीजें चल रही हैं यार, प्लीज थोड़ा बहुत तो दिखा देते। और जहां पर 15th एपिसोड जब देखा तो मैंने, वहां पर जैक जो है वो अपने आप को ही उड़ा लेता है और लीवाई को दिखाया नहीं गया 15th एपिसोड के जब धमाका होता है, तो 16th एपिसोड में दिखाया नहीं गया वो जिंदा है या फिर कुछ और। तो मे बी यार वो जिंदा ही होगा, उसको इतना आसानी से थोड़ा वो मरने देंगे। और एरन का जिस तरीके का बिहेवियर इसमें सामने आया है, वहां पर एक बात जो है यहां पर पता चलती है कि आर्मिन को उसने मारा, मिकासा को उसने बहुत हर्ट किया। और ये बात जब जीन को पता चलती है तो जीन कहते हैं कि यार मे बी हो सकता है कि ये कुछ बताना चाह रहा हो। तो यार ये सब चीजें एकदम से गले से नीचे नहीं उतर रही कि एरन का अपना एक ग्रुप बनाना, एक तरीके से अपने वे में लोगों को लेके चलना, फ्रीडम की बात करना, आर्मिन को मारना, मिकासा को हर्ट करना, अपने लोगों को खतरे में डालना, तो ये सब चीजें गले से नीचे नहीं उतरनी। हो सकता है कि इसका कुछ का खुद का कोई अपना प्लान हो। वैसे पार्ट वन खत्म हो गया लेकिन जैक का प्लान का पता नहीं चल रहा, एरन के दिमाग में क्या चल रहा है इसका भी बिल्कुल पता नहीं चल रहा। और देखें भले ही ये जो सीजन 4 है पार्ट 1 एरन के नाम रहा है, एरन के बारे में ज्यादातर इसके अंदर बातें हुई हैं, एरन को एक बहुत बढ़िया वे में रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन एरन का कोई अभी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्लियर नहीं किया कि वो क्या सोच रहा है, उसका क्या प्लान है। मे बी आने वाले सीजन के आने वाला जो पार्ट है वो बहुत सारे जो हमारे सवाल जो इसके दिमाग में चल रहे हैं उन सब चीजों का ये जवाब लेकर आएगा। ओवरऑल बात करूं इस पूरे पार्ट 1 की, नो डाउट जो स्टूडियो चेंज हुआ था विट स्टूडियो से मापा स्टूडियो, जिस जहां पर हमें एक थोड़ी बहुत अंदर से घबराहट थी कि क्या हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा एनिमेशन के मामले में, तो बिल्कुल भी नहीं। मापा स्टूडियो ने एकदम जबरदस्त काम किया एनिमेशन में, बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करके हमारे सामने रखा है। एक्साइटमेंट थी उसको देखने में, एनिमेशन क्या एकदम उम्दा लेवल के एनिमेशन हमें देखने को मिले। जितनी रूमर्स आई है पार्ट 2 के बारे में कि विंटर सीजन में इसको रिलीज किया जाएगा, आई होप सो कि ये सब चीजें इन्होंने कही और विंटर सीजन में हमें देखने को मिल जाए। क्योंकि अरे अभी जिस हालात में इन्होंने कहा ना यार, जिस हालात में इन्होंने लाकर छोड़ा है, जहां पर इन्होंने पार्ट 1 खत्म किया है, एक्साइटमेंट भाई साहब अपने ही लेवल पर है। तो अगर आप लोगों ने पूरा सीजन देख लिया है, पूरा सीजन नहीं फाइनल सीजन का फर्स्ट पार्ट देख लिया और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में, तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर नहीं देखा है, पूरी सीजन ही नहीं देखा है, पूरे पार्ट ही नहीं देखा है, तो जाकर भाई साहब ये एनिमे सीरीज देखना शुरू करो। मैं कहूंगा कि यार एनिमे सीरीज में ये सबसे ऊपर है अब के आज की डेट में। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।